हेलो बच्चों बच्चों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो अकाउंटेंसी की 32 पेजेस की आंसर शीट सीबीएसई ने दी है, उसके अंदर आप अपने एग्जाम में किस तरह से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि सर आप एक पेपर को पूरा सॉल्व करके दिखाओ कि कैसे हम इसको एग्जाम में कर सकते हैं। तो मैंने जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसको हैंड रिटन तरीके से सॉल्व करा है, उन्हीं 32 पेजेस के हिसाब से जो आंसर शीट हमारे सीबीएसई ने हमको दे रखी है। अब इसमें बहुत सारी बातें बच्चों के मन में थी, फॉर एग्जांपल कि सर क्या हमारा सीक्वेंस अगर बिगड़ जाता है क्वेश्चन का तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं दो तीन चीजें जो है वो भी क्लियर कर देता हूँ सब बच्चों को। आपका अगर ऑर्डर शफल भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंफर्टेबल हो कि सारा पूरा सॉल्यूशन आपको रूल्ड लाइंस पर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो जर्नल या लेजर के फॉर्मेट दे रखे हैं उसमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ आपको इसलिए दे रखे हैं एक सुविधा के तौर पर कि इन केस अगर आपका टाइम कम बच रहा है या किसी क्वेश्चन को करने में आपको लग रहा है कि मेरे पास समय कम रह रहा है, फॉर्मेट्स बनाने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप उन गिवन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर आपको ट्रिपल कॉलम वाला या डबल कॉलम वाला कोई लेजर बनाना है या कोई और चीज़ आपको सॉल्व करनी है जिसमें आप खुद ही कंफर्टेबल हो, तो आप रूल्ड लाइंस पर पूरी तरह से बना सकते हो। तो ध्यान रखना बच्चों कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना ही है, वो सिर्फ एक सुविधा के तौर पर आपको दे रखा है। इसके अलावा भी अगर आप उसमें कोई जर्नल सॉल्व करते हो या कोई लेजर आप बनाते हो और उसके नीचे आपको कोई वर्किंग देनी है तो आप वर्किंग नोट हेडिंग डालकर दे सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना कि गिवन फॉर्मेट में हम वर्किंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बस मेंशन करना है कि ये वर्किंग नोट है। बाकी इसके अलावा जो मैं पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको भी एक बार आप ध्यान से देखना। इसमें मैंने कोशिश करी है कि किस तरह से आप अगर एग्जाम में सॉल्व करना चाहो पेपर तो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में हमसे पूछा था कि एनपीओ की एक कैलकुलेशन हमको शो करनी है, तो इसको हमने नॉर्मल अपने पेज नंबर वन पर सॉल्व करा, जिसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट बना के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं कि कितना हमारा मेडिसिन का कंज्यूम्ड पार्ट है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल अपने रूट लाइन्स पर ही इसको सॉल्व करने में आसानी लगेगी। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, वो आप नेक्स्ट पेज पर यानी कि पेज नंबर टू पर सॉल्व कर सकते हो, जिसमें एक बेसिक थ्योरी क्वेश्चन था, तो आप अपने टेबुलर फॉर्मेट में डिफरेंसेस बताने के लिए एक टेबुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री या क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसके अंदर हमसे जर्नल पूछी थी, तो क्वेश्चन नंबर थ्री इसीलिए हमने अभी यहाँ पर स्किप कर दिया, वो हमने सॉल्व करा है पेज नंबर 17 पर। तो ये देखिए बच्चों, पेज नंबर 17 में अब यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे जर्नल एंट्री पूछी थी, तो हमने गिवन फॉर्मेट का इस्तेमाल करा और जो भी उसमें जर्नल एंट्री करनी थी वो हमने एज इट इज यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, कर ली। नरेशन आ गई, अमाउंट्स आ गए डेबिट क्रेडिट के, और अकॉर्डिंगली हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर आपको समय बचाना है फॉर्मेट बनाने का, तो इस गिवन फॉर्मेट में आप अपने क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व कर लो। बैक टू क्वेश्चन नंबर फोर। अब क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर हमसे कैलकुलेशन करवाई थी सब्सक्रिप्शन की, तो उसके लिए मुझे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने नॉर्मल इसको रूल्ड लाइंस में अपने हिसाब से सॉल्व करके प्रेजेंट कर लिया। तो इस तरह से बच्चों हमने अलग अलग क्वेश्चनों को सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रेश पेज पे स्टार्ट करा, हमसे कैलकुलेशन मांगी, हमने कैलकुलेशन सॉल्व कर दी रूल लाइंस पर। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में हमसे सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन मांगी, तो वो हमने पार्ट रूल लाइंस पर शो कर दिया। और क्वेश्चन नंबर एट में हमसे अगर कोई जर्नल मांगा या कोई लेजर मांगा स्पेसिफिकली, तो वो हमने अलग से हेडिंग डाल के जर्नल और लेजर वाले फॉर्मेट में सॉल्व कर दिया, जैसा कि आप यहाँ पर अब देख सकते हैं। तो हमने गिवन जर्नल के फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर एट का जो थर्ड पार्ट है वो प्रॉपर एक हेडिंग डालकर उसको जर्नल के गिवन फॉर्मेट में सॉल्व कर दिया। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बस आपको अपनी हेडिंग को प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो आपको गिवन फॉर्मेट्स दे रखे हैं ये एक आपके लिए सुविधा है, तो इसको बस एक सुविधा की तरह ही इस्तेमाल करना, इसको दुविधा मत समझना, ठीक है ना। तो आपको चॉइस मिली हुई है कि आप गिवन फॉर्मेट्स का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो सब कुछ रूल्ड में भी आप करके आ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी जैसे हमसे जर्नल मांगा था तो हमने गिवन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करा और उसी में अपनी जर्नल एंट्रीज को सॉल्व कर लिया। अब इसमें अगर मुझे थोड़ी सी एक वर्किंग भी करनी पड़ी तो आप देख सकते हैं वो वर्किंग मैंने नीचे एक छोटी सी वर्किंग यहाँ पर कर ली, तो कोई परेशानी नहीं, आप कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेवन, उसमें भी हमसे जर्नल मांगा था तो बुक्स आ गई किस व्यक्ति की हैं, उसमें गिवन फॉर्मेट्स में मैंने अपनी जर्नल एंट्री कर ली, नरेशन आ गई। तो आप इस तरह से गिवन फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर जर्नल एंट्री करनी है तो। अब क्वेश्चन नंबर नाइन जो हमारा एनपीओ चैप्टर का था, अब इसमें मैंने जानबूझ के सिर्फ आपको श्योर करने के लिए इसको लेजर को बनाया है रूल्ड लाइंस पर,
यानी कि मेरी चॉइस है, मुझे कंफर्टेबल है कि मैं अपनी रूल्ड लाइंस पर ही नॉर्मल लेजर अकाउंट बनाऊं और फिर अपने आंसर को प्रेजेंट करूं। तो आप देखेंगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को यहां पर सॉल्व कर लिया नॉर्मल रूल्ड लाइंस पर अपना पूरा फॉर्मेट बनाकर, और मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा एज इट इज प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्वियसली छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन है तो वो आप नॉर्मल रूल लाइंस पर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब इसका फॉर्मेट तो एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट होता है, तो इसीलिए इस पूरे क्वेश्चन को हमने रूल लाइंस पर एज इट इज सॉल्व करा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आप सब जानते हैं कि एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट अपना होता है, तो इसमें हमें गिवन जर्नल या लेजर को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने इसको भी रूल लाइंस पे पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। तो आप देख सकते हो कि जहां मुझे लगता है कि मुझे रूल लाइंस पे कंफर्टेबल है करना सॉल्व, तो आप वहां रूल लाइंस का इस्तेमाल करो। जहां आपको बस एक सुविधा की आवश्यकता लग रही है कि समय कम है, चलो गिवन जर्नल का फॉर्मेट है वहां बना लें, तो आप बना सकते हो। अदरवाइज अपने फॉर्मेट को रूल लाइंस पर भी बना सकते हो। एक और चीज, रूल लाइंस पर जितना भी आपने सॉल्व करा उसके बाद अगर आपके पास जगह बच रही है तो आप पेजेस खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी पूरी 32 पेजेस जो हैं उनको चेक करेगा। तो जो पेजेस आपके ब्लैंक हो गए उनको छोड़ते चलिएगा, जर्नल के जो भी फॉर्मेट्स में आपने जर्नल लिखी हैं वो आपके जर्नल के अंदर आ जाएंगी। देन इसके बाद जो लास्ट के 8 पेजेस हैं जिसमें हमें लेजर दे रखे हैं, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में एक पार्ट में हमसे लेजर अकाउंट मांगा था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो हमने गिवन लेजर अकाउंट का इस्तेमाल करा और उसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट करके पूरे लेजर को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की शफलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चंस को किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं, सारा रूल में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समय थोड़ा सा आपको बचाना है तो गिवन फॉर्मेट्स का भी यूज कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अपनी हेडिंग जो है क्वेश्चन नंबर की उसको प्रॉपरली ऊपर जरूर मेंशन करना, ताकि पता लग जाए कि किस क्वेश्चन के किस पार्ट को आप गिवन फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हो। कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना एंड तक। अगर क्वेश्चन में आपसे जर्नल मांगे हैं तो आप पेज नंबर 17-24 पे सीधा चले जाना और वहां पर प्रॉपरली हेडिंग डालकर उस क्वेश्चन की जर्नल को सॉल्व कर लेना। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में जर्नल भी मांगा है, लेजर भी मांगा है, थ्योरी क्वेश्चन भी सॉल्व करने को दे रहा है, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो आपके पास दोनों चॉइसेज हैं। आप पूरा का पूरा रूल्ड पार्ट पर भी कर सकते हो खुद से फॉर्मेट बनाकर, या आप अलग अलग पार्ट्स पर हेडिंग ज़रूर डाल देना। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करा था कि कुछ पार्ट रूल्ड में करा, जर्नल वाला पार्ट जर्नल में करा, लेजर वाला पार्ट लेजर में करा, लेकिन प्रॉपर हेडिंग के साथ। तो इस बात का भी ध्यान रखना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आपको इन सब झमेलों से लग रहा है कि मेरे को ये सब झमेलों में पढ़ना ही नहीं है, तो आप सिंपली क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 एक ऑर्डर में सॉल्व कर देना, रूल्ड लाइंस में सारा सॉल्व कर देना, तो भी आपका कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। उस केस में बस आपको फॉर्मेट्स खुद बनाने पड़ेंगे, और अगर आप वो चाहते हो करना तो एक बार अपनी प्रैक्टिस करके ऐसा भी देख सकते हो। बाकी मैंने ये पूरी की पूरी सॉल्व पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दी है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बाकी मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको बताने की कोशिश करी जो मैं बता सकता था अपनी तरफ से। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा या तो आपके कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा या सारे डाउट्स को मिलाकर एक और वीडियो इस पर अपडेट कर दूंगा। बाकी चिंता वाली कोई बात नहीं है, आपकी आंसर शीट सिर्फ सुविधा के लिए दे रखी है, आप चाहें तो उसको यूज़ करें, और आपके पास ऑप्शन है कि चाहें आप सारा का सारा रूल पार्ट पर भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात करता हूँ बहुत जल्दी अगली ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।